भाई इतनी गर्मी है, आप थोड़ी सी तो मोहलत दें, मेरे बच्चे छोटे हैं, हम बिजली के बगैर कैसे रहेंगे? आप खुद सोचे ना, मैं कह रही हूँ कि हम बिल जमा करवा देंगे, रोक दें इनको। क्या बात है भाई, क्या हुआ है? अच्छा हुआ शाकिर आप आ गए, देखे ना इन्हें बगैर बताए बिजली का तार काट रहे हैं हमारा। मैडम जरा गौर से देखे अपना बिल, इस पे साफ साफ लिखा है कि अगर 2 महीने का बिल अदा नहीं करेंगी तो आपकी बिजली कट जाएगी। हाँ तो भाई अभी 2 दिन बाकी है। कौन सी दुनिया में है आप? कल आखिरी तारीख थी बिल जमा कराने की, उसूलन तो कल ही काट देनी चाहिए थी बिजली, हमने तो फिर भी 2 दिन की मोहलत दी है। अच्छा देखिए, मैं 2 दिन में पक्का बिल जमा करा दूंगा, आप अभी एक कनेक्शन वापस लगा। सर हम नौकरी पेशा लोग हैं, हमें जितना कहा जाए हम उतना ही करते हैं। आप 2 दिन बाद जमा किया हुआ बिल ऑफिस में आकर दिखा दीजिए, हम उसी वक्त आकर कनेक्शन लगा देंगे। तो क्या 2 दिन हम बगैर बिजली के रहेंगे? ये तो आप लोगों के सोचने की बात है। भाई कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि हम 2 दिन में जमा करवा देंगे बिल। देखिए बाजी, हमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, हमें जो ऑर्डर मिलता है हम वही करते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपके ऑफिस वाले बोलेंगे फिर तो आप कनेक्शन लगा देंगे। अरे भैया अगर वो बोलेंगे तो जरूर, हमें कौन सी जाती मसला है आपके साथ। ठीक है तुम अंदर जाओ, मैं इनके साथ होके आता हूँ। चले जी आए, आज आज कौन आ गया? कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाकिर कहाँ है, उसे बाहर भेजिएगा। घर पे नहीं है, बिजली के दफ्तर तक गए, अभी आते हैं हमने। बिजली वाले क्यों आए थे? बिजली काट के गए हैं, वो गए हैं अभी बात करके आते होंगे। क्या बात करेगा वो उनसे, इसी बात का डर था मुझे। समझी नहीं। शाकिर आ जाए ना तो उससे कहना इस हफ्ते किराया दे दे, वरना ये मकान खाली करना पड़ेगा। कमाल करते हैं आप, 3 महीने का एडवांस दिया हुआ है आपको, ऐसे कैसे खाली करेंगे? हर मकान का 6 महीने का डिपॉजिट होता है, आप लोगों की परेशानी देख के मैंने 3 महीने का डिपॉजिट लिया था, अब देख ले 3रे महीने का भी हफ्ता हो गया है, डिपॉजिट आपका खत्म समझिए। देखे भाई साहब, जहाँ आपने इतनी मुरव्वत और लिहाज दिखाया है और इंतजार किया, थोड़ा और कर लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हफ्ते 2 हफ्ते में ना हमारे पैसे आ जाएंगे, किराया दे देंगे हम। भाई आपको यकीन होगा ना, मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, ना तो शागिर के पास नौकरी है, ना उसके पास कोई जरा है पैसे आने के। बेहतर यही है कि आप लोग मकान खाली कर दें, वरना। वरना क्या? वरना मुझे मकान खाली कराना आता है। धमकी दे रहे? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अब दोबारा आऊंगा ना तो मकान खाली करवा लूंगा, अगर किराया हो जाए तो अदा करने आ जाइएगा। कैसे रहेंगे बिजली के बगैर? रात में थोड़ी मुश्किल होगी, दिन तो रोशनी में गुजर जाएगा। अपने लिए नहीं कह रही, बच्चों के लिए परेशान हो रही, टीवी भी नहीं चलता ना, बहुत तंग करते हैं। बस 2-3 दिन की बात है। 2-3 दिन पता नहीं कैसे गुजरेंगे। बिजली के दफ्तर गए थे ना, मालिक मकान आया था, किराए का तकाजा कर रहा था, धमका के गया है कि बंदोबस्त ना हो तो घर खाली कर देना अगले हफ्ते। उसकी नौबत नहीं आएगी, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। कैसे होगा इंतजाम? एक दोस्त ने वादा किया, 3 दिन बाद बुलाया। किराया देंगे, बिजली का बिल भरेंगे या बच्चों के स्कूल की फीस? अरे सब हो जाएगा, पूरे 50,000 दे रहे। सच? तो ये खुशी की खबर पहले देनी थी ना, वापस कब देना होगा उसका उधार? कोई फिक्र नहीं उसकी, कह रहा है जब हूँ दे देना। देखा मैंने कहा था ना, वो जापानी कंपनी वाला जरूर आपकी मदद करेगा। ये वो दोस्त नहीं है, एक और दोस्त। चलिए जो भी कोई है, अल्लाह उसे खुश रखे।
बहुत तरक्की रे। अरे क्या हुआ गुड़िया रानी, नींद नहीं आ रही? अबू इतनी गर्मी हो रही है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। अच्छा एक काम कर, आज बाप बेटी दोनों सहन में सो जाते, ठंडी हवा। जी अबू, हम लोग स्कूल कब से जाएंगे? 3 दिन बाद। सच? बिल्कुल सच, और उसके बाद मैं आपको जंपिंग कैसल भी लेके जाऊंगा।